अजेश भाई कहाँ पे? अजेश भाई। और ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल निकले हैं, उनकी रिहाई हो रही है और बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जश्न मना रहे हैं। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ तिहाड़ से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है। स्वागत किया जा रहा अरविंद केजरीवाल का, कार्यकर्ताओं का ये जोश और ये उत्साह है। और सवाल यही कि क्या अब इंडी गठबंधन में नई जान आ गई है केजरीवाल की रिहाई के साथ ही? चुनाव के कैंपेन करने की उन्हें इजाजत मिली है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत के साथ ही। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा, लेकिन तब तक वो पूरी तरह से शामिल होंगे चुनावी प्रचार प्रसार में। उनकी रिहाई के बाद जश्न की ये तस्वीरें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच की तस्वीर। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई फाइल साइन नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी राहत जरूर मिल गई है रिहाई के तौर पर। अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां तिहाड़ जेल से रवाना हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अपने घर के लिए रवाना हुए हैं, अंतरिम जमानत उन्हें मिल गई, जिसके बाद ये रिहाई, तिहाड़ जेल से सीधे अपने घर के लिए रवाना हुए अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ जेल से आखिरकार बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। आज ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। यह हम तस्वीर आप देख सकते हैं, अपने घर के लिए रवाना हो चुके, सीधे अपने घर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर, जिससे लगातार कोशिशें अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी थी, लेकिन अब आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। जेल से सीधे केजरीवाल जा रहे हैं अपने आवास, अपने घर। और दूसरी तस्वीर जहां जश्न का माहौल है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जश्न मना रहे हैं। और अहम तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जहां तिहाड़ जेल से घर के लिए रवाना हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। सवाल यही कि अब केजरीवाल कैंपेन में शामिल होंगे, लेकिन कितना इंपैक्ट होगा चुनावों में उनकी मौजूदगी से? अंतरिम जमानत मिल गई है, साथ ही अरविंद केजरीवाल को इजाजत है प्रचार करने की। अरविंद केजरीवाल कैंपेन में शामिल होंगे। सवाल ये कि क्या इंडिया में नई जान आएगी, इंडी गठबंधन में नई जान आएगी, क्योंकि प्रचार की इजाजत है पूरी तरह से। बाकी के जो 4 चरण हैं उसमें शामिल होंगे प्रचार प्रसार में अरविंद केजरीवाल, लेकिन सीधे अपने आवास के लिए, अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। ये 2 अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब तिहाड़ जेल से रवाना हुए अरविंद केजरीवाल, और ये पहली अहम तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार जश्न मना रहे हैं। इंतजार उन्हें इस वक्त का था, शाम का था, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। लगातार इस बीच कोशिशें जारी थी अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिल सके, लेकिन आखिरकार आज अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल को। तिहाड़ जेल से सीधे घर के लिए अरविंद केजरीवाल रवाना हुए। 22 दिनों के लिए जमानत है, कितना असर होगा दिल्ली की 7 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी से? सवाल ये कि 207 सीटों पर अभी इलेक्शन बचा है, किसके लिए ये मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा? क्या अब जो रणनीति है उसे बदलेगा इंडी गठबंधन? ये भी एक अहम सवाल। लेकिन रिहाई के बाद की ये अहम तस्वीरें, और अब बढ़ चढ़कर कैंपेन में भाग लेंगे अरविंद केजरीवाल, ये अहम तस्वीरें। तो आखिरकार तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, यह अंतरिम जमानत है 1 जून तक। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा, क्योंकि 1 जून को 7वां और आखिरी चरण है लोकसभा चुनाव का, और चुनाव प्रचार के लिए ही उन्हें ये जमानत मिली है, 22 दिन के लिए जमानत। नतीजों पर इसका क्या इम्पैक्ट?
से ये भी बेहद अहम सवाल है, लेकिन खुशी जरूर है, एक तरह से एक नई जान आ गई है आम आदमी पार्टी में। और दिल्ली से सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बेहद अहम तस्वीर ये खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए, एक नई जान आम आदमी पार्टी में आ चुकी है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के साथ ही। फिलहाल अपडेट क्या है, कहां पहुंचे अरविंद केजरीवाल, रिहाई हो चुकी तिहाड़ से? जी बिल्कुल श्वेता, अब से थोड़ी देर पहले तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं सीएम अरविंद केजरीवाल और सीधे अपने आवास पर जाएंगे, जहां उनकी तैयारी करने के लिए तमाम, वेलकम करने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं। खासकर सुनीता केजरीवाल भी इस वक्त केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहाई जो है वो सीएम केजरीवाल की हो पाई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत, यानी कि 21 दिनों की अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हालांकि इस पूरे केस में की बात की जाए तो केस के मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि एक सिटिंग सीएम होने के नाते, एक पार्टी के कन्वीनर होने के नाते सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और चुनाव जो है एक बड़ी घटना है, और इस लिहाज से अंतरिम जमानत जो है वो दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर कई कंडीशंस भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है अपनी जमानत में। सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त में लगाई है वो ये है कि सीएम केजरीवाल जो हैं वो अपने सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, ना ही सचिवालय जाएंगे, और किसी भी फाइल पर जो है वो दस्तखत नहीं करेंगे बिना एलजी के मंजूरी के। ये तमाम ऐसी बातें जो हैं वो अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी इस मामले से जुड़े गवाह से संपर्क में सीएम केजरीवाल नहीं आएंगे। साथ ही इस पूरे केस में, इस केस से जुड़ी जो बातें हैं वो बयानबाजी मीडिया में या किसी से भी नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर तमाम शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत सीएम केजरीवाल को दी है। और यहाँ अब आम आदमी पार्टी, यानी कि केजरीवाल जो है, अगले 21 दिन तक अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर गोवा हो, ऐसे तमाम राज्यों में वो चुनाव कैंपेनिंग कर सकेंगे, और सिंपैथी वोट लेने की कोशिश यहाँ जरूर की जाएगी। और ये आरोप लगाया जाएगा कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो एक तरह से राजनीतिक गिरफ्तारी है, क्योंकि उनके वकील निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ये कहते आए हैं कि ये जानबूझकर उनकी पार्टी और उनको तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है ईडी के जरिए। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट यहाँ लेने की कोशिश सीएम केजरीवाल की ओर से की जाएगी। हालांकि इस केस में अपनी भूमिका को लेकर वो किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जरूर कहा है। सुमित, और तस्वीरें जो नजर आ रही, जैसे तिहाड़ जेल से निकले, गाड़ी के आगे की सीट पर अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे, उनकी पत्नी उन्हें रिसीव करने गई, और कौन लोग थे जो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और उनके साथ रवाना हुए अरविंद केजरीवाल, आप वहां पर मौजूद थे, बेहतर बता सकेंगे? जो प्रमुख नाम है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि पंजाब में भी आगामी लोकसभा चुनाव के फेज में इलेक्शन है और वहां भी आम आदमी पार्टी जो है अच्छी स्थिति में है। इस लिहाज से कहीं ना कहीं इस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को कहीं ना कहीं संजीवनी मिली है ये 21 दिनों की, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के लिए वो वोट और खासकर कैंपेनिंग कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर सीएम केजरीवाल, जब ये एक आश्चर्य घटना मैं आपको बताऊं श्वेता, कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जमानत जब पर सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुना रहा था, तब उनकी पत्नी तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात कर रही थी, और ये जब खबर जब आई कि उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, उस वक्त सुनीता केजरीवाल केजरीवाल के साथ ही जेल में मुलाकात कर रही थी। तो एक संयोग ही मात्र था कि उस वक्त सुनीता केजरीवाल सीएम केजरीवाल से मुलाकात जेल में ही कर रही थी, तो उनको लेने, उनको रिसीव करने के लिए उनकी पत्नी पहुंची थी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे। और अब से थोड़ी देर पहले उनकी रिहाई हो पाई है, तिहाड़ जेल से उनका काफिला निकला है और उनके घर तक जाएगा, और तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत की तैयारी वहां कर रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है कि वो मीडिया को संबोधित करें कि उनकी जो रिहाई हुई है, 21 दिनों की जो अंतरिम जमानत मिली है, वो अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कहां कहां जो है वो चुनाव कैंपेनिंग के लिए वो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव गतिविधि, पूरे देश में चुनाव गतिविधि में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ जा सकेंगे, वहां नहीं जा सकेंगे, ऐसा कुछ आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। तो ऐसे में
पूरे देश में चुनाव प्रचार जो है वो सीएम केजरीवाल जो है अपनी पार्टी के लिए कर सकेंगे। सुमित, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बात कही कि देश की जनता करेगी न्याय। माना जा सकता है कि अब जो ये बाकी की बची हुई सीटें हैं, जो 21 दिन उनके पास कैंपेनिंग के लिए हाथ में है, इस बीच वो सिंपैथी भी बटोरना चाहेंगे। देखिए श्वेता, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि सिंपैथी वोट यहां लेने की कोशिश की जाएगी सीएम केजरीवाल की ओर से, क्योंकि आपको याद होगा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जानबूझकर ये एक तरह से साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। अब यही बात जो है वो एक तरह से भुनाने की कोशिश यहाँ करेंगे कि देखिए आपका जो देश का बेटा है वो आपके लिए काम कर रहा था, लेकिन उन्हें साजिश के तरह बंद कर दिया गया। तो यहाँ एक तरह से सिंपैथी वोट लेने की कोशिश सीएम केजरीवाल की ओर से रहेगी। पहला बयान भी आ गया है कि देश की जनता जो है वो हिसाब करेगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत है। ये 21 दिनों की जो राहत है वो ये बताएगी नतीजों में क्या कन्वर्ट कर पाएंगे केजरीवाल या नहीं, क्योंकि उनके वकील जो है सिंघवी वो सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे कि 5 मई तक उनको अंतरिम जमानत बढ़ा दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया था, क्योंकि सिंघवी का कहना था कि चुनाव परिणाम 4 मई को आ रहे हैं तो 5 मई तक कम से कम अंतरिम जमानत बढ़ा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को ठुकरा दिया है। हालांकि ये 21 दिनों की जो चुनावी प्रचार होगी उसमें आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा ये 4 जून को नतीजे से साफ हो जाएगा श्वेता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बातें और जो हिदायतें यहाँ पर दी है अरविंद केजरीवाल को, उससे साफ नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता से ही रूबरू हो पाएंगे, कैंपेनिंग और चुनाव से जुड़े ही बात कर सकेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो यानी मीडिया से भी वो इस उनके केस, उनके जेल में रहने इस संबंधी भी कोई टिप्पणी या कोई बात नहीं रख सकते हैं। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने 8 पन्नों का जो लिखित आदेश दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो ये है कि अपनी केस में अपनी भूमिका को लेकर बयानबाजी नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है अपने आदेश में। तो निश्चित तौर पर अपनी अपने केस में भूमिका को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक दलों में के बीच में जो बातें होती हैं वो तो आपको ही पता है श्वेता, तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो दी जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, तो इस तरह की जो बयानबाजी जो है खासकर जो नेता आए दिन करते रहते हैं उस तरह की तो बयानबाजी होगी, लेकिन इस केस में अपनी भूमिका को लेकर सीएम केजरीवाल किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जमानत अंतरिम जमानत का जो फैसले में जो शर्तें लगाई हैं उसमें से एक ये शर्त है। तो मुख्यतः 5 ऐसे शर्तें हैं जिसका पालन सीएम केजरीवाल को करना होगा, लेकिन एक बड़ा झटका केजरीवाल के लिए ये भी है कि वो अपने सीएम पद का जो एक ड्यूटी परफॉर्म करना होता है वो नहीं कर पाएंगे, ना ही वो सचिवालय जा पाएंगे, ना ही वो सीएम दफ्तर जा पाएंगे और ना ही किसी भी फाइल पर सिग्नेचर कर पाएंगे बिना एलजी के अनुमति के बिना। तो कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव प्रचार में कितने इस मामले को कितना वो भुनाते हैं ये देखना बेहद अहम रहेगा, और इसका जो नतीजा है वो 4 जून को साफ हो जाएगा कि क्या 21 दिनों की जो अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट से उनको मिली थी क्या उनको और आम आदमी पार्टी के लिए इसका फायदा कितना मिला। ये 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें सीधे तौर पर साफ हो पाएगा श्वेता। सुमित, ऐसे में तो इसे ऐसे ही देखा जाए कि दिल्ली सीएम के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनमें से वो किसी का निर्वहन नहीं कर सकेंगे, कोई फैसला नहीं ले सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी के चीफ के तौर पर कैंपेनिंग के लिए उन्हें छूट मिली, तो यानी सिर्फ इसी रोल में वो 21 दिन नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जब सुनवाई पिछले हफ्ते हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जरूर कही थी कि दिल्ली के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के कन्वीनर हैं। इन दो आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में असामान्य परिस्थिति है, इस लिहाज से हमें लगता है कि अंतरिम जमानत सीएम केजरीवाल को देनी चाहिए। तो यही एक आधार रहा है कि एक पार्टी के कन्वीनर हैं, एक पार्टी के मुखिया भी हैं और दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं, तो ये दो आधारों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है और सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। हालांकि ईडी ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अंतरिम जमानत दी जा सकती है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सोसाइटी से सीएम केजरीवाल को खतरा नहीं है और वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, यानी कि आदतन अपराधी नहीं है, इस लिहाज से उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है क्योंकि इस मामले में वो आरोपी है ना कि दोषी।
सुमित, अब जबकि राजनीतिक तौर पर बात करें, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले के आधार पर इन्हें रिहाई भी मिल गई है। जी बिल्कुल, देखिए रिहाई 21 दिनों की मिली है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, आपने तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सुनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दिया, तो ये इस तरह की जो बयानबाजी है उसे चुनाव में भुनाने की जो कोशिश है वो केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि आज उनकी रिहाई हुई है, वो कल से ही चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। दिल्ली की जो 7 सीट हैं वो बेहद अहम मानी जा रही है, इसके अलावा अगर हरियाणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रांग है तो वहां भी तमाम जगहों पर वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे और इसका फायदा कितना मिलता है ये आने। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, जेल से सीधे अपने आवास के लिए वो रवाना हुए, लेकिन इस बीच जो मौजूद लोग थे उन्हें संबोधित किया, कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस में आने की अपील की, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में आने की अपील की और साथ ही कहा वहां दर्शन करने के साथ ही आगाज करेंगे। लेकिन ये बेहद अहम बातें जो उन्होंने संबोधन के दौरान कही, कार्यकर्ताओं से कहा अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने कहा था जल्दी आऊंगा, सभी लोगों को मेरा शुक्रिया। जिस तरह से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद थे, कहा उन्होंने कि आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कल हनुमान जी के मैं दर्शन करूंगा और इसके बाद कल आम आदमी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में आने की अपील उन्होंने सबसे की और साथ ही कहा कि 1 बजे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया, आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, अंतरिम जमानत उन्हें मिली, लेकिन साथ ही कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है और उसके लिए आप सबका साथ होना जरूरी है। समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। कल सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर सीपी में मिलेंगे, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मुलाकात करने की बात कही। 50 दिन के बाद जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल और कहना ये कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं जल्दी बाहर आऊंगा और जल्दी मैं आया हूं। अब क्या कुछ रहता है, बेहद अहम कल का दिन भी रहेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्या कहते हैं। 21 दिनों की उन्हें जमानत मिली है, कितना असर चुनावों में होगा ये भी बेहद अहम है, क्योंकि अभी 4 चरण बाकी हैं, करीब 260 सीटों पर इलेक्शन अभी बाकी है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी, मैं पूरे देश के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में अद्भुत काम किए, पूरे देश के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज जब वो जेल से छूट कर आए हैं, पूरे देश में एक खुशी और उम्मीद की लहर है जो कि वोट में जरूर बदलेगी। हम जीतेंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे।
सकता होगा सर? पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। प्रतिक्रिया भी आ रही है अरविंद केजरीवाल के रिहाई के साथ ही, उन्हें अंतरिम जमानत के साथ ही, क्योंकि 1 जून तक कार्यकर्ताओं समर्थकों के बीच रहेंगे, सीधे संवाद करेंगे आम जन से, अपील करेंगे साथ आने की। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद की अहम तस्वीर है जहां उन्होंने समर्थकों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा यही कि कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे। दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उन्होंने बात कही, साथ ही कहा कि आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कहा था मैं जल्दी आऊंगा। और अब जेल से रिहाई के बाद पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटेंगे क्योंकि इस तानाशाही को खत्म करना है। लड़ाई और मजबूत होगी, ये लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ाई हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में फायदा होगा सर? पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है।